बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। कोरोना वायरस से पूरे देश में परेशानी का माहौल बना हुआ है और लोगों को जाने के लिए साधन नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहीं लोग पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को रास्ते में रोककर कुछ समाज से भी लोग भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ समाज से भी भाजपा कार्यकर्ता चंद्र प्रजापति ने भी कुछ ऐसा ही किया। जी हाँ, हम आपको बता दें, गंतव्य तक जा रहे लोगों को रास्ते में रोक करके चंद्र प्रजापति द्वारा उन लोगों को भोजन कराया गया तथा उनको उनके गंतव्य तक जाने के लिए साधन मुहैया कराने की कोशिश की गई। सर, जैसे कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु प्रधानमंत्री जी ने जो देश हित में लॉकडाउन का फैसला लिया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया फैसला लिया है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आपको सबको पता है कि हालात हैं, मगर उन्होंने बहुत देश में पहले तो एक दिन का उन्होंने जो फैसला लिया बंद होने का, फिर उन्होंने 3 दिन का हमारे योगी जी ने फैसला लिया पूरा यूपी बंद होगा, फिर उन्होंने मोदी जी ने रात को 8 बजे फिर 21 दिन के लिए उन्होंने एक फैसला लिया कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर ना निकले। और हम सभी लोग, ये हमारी पूरी टीम है, क्योंकि 11 और चीट के हम सब लोग जो हैं सदस्य हैं, मुरादाबाद यहाँ पर ही है आपके सर्किट हाउस के बराबर में, और हम लोगों की जो है वो 50 लोग रहते हैं, सब लोगों के सहयोग से ये जो खाने पीने का जो कार्यक्रम है, सभी गरीब जो बाहर से लोग पैदल आ रहे हैं, घर घर लोगों को ये खाना दिया जा रहा है, और घर घर सब लोगों से अपील करी जा रही है कि घर से बाहर कतई ना निकलें, क्योंकि ये देश बहुत तगड़ा संकट में पड़ा हुआ है। और आप ही के चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहेंगे हम पूरे महानगर वासियों को, देशवासियों को, कि अपना ध्यान रखें और ज़बरदस्ती बाहर ना निकलें। अगर बहुत काम है तो आप पहले आप 112 नंबर पर फ़ोन कीजिए, पुलिस से सहायता लीजिए, तभी आप घर से बाहर निकले, कृपया करके घर से बाहर ना। इस घातक बीमारी से बचाव हेतु आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देने चाह रहे हैं कि आप अगर कहीं बाहर जाएं और बाहर से घर आएं तो तुरंत उसे आप जो है हाथ अपना साबुन से हाथ पैर धोइए और अपने कपड़े चेंज करिए। और दूसरा ये कि बेफजूल जो है कोई भी व्यक्ति से आप लगभग ज़्यादा दूर रहेंगे तो बहुत बेहतर ही रहेगा, क्योंकि ये ऐसा वायरस है कि अगर आपने जरा से भी नज़दीकी पाली तो पता नहीं क्या हो जाए। आप देख ही रहे हैं पूरे वर्ल्ड में क्या हालत हो।